लेट्स गो विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने गन को क्या किया विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मैंने गन को सीन के अंदर ले आया हूँ मैं, और यहाँ क्यूब के साइड में ले आया हूँ। सबसे पहले तो मेरे को बहुत छोटी लग रही है, तो इसकी साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 2x2 एक्चुअली बाय 2। 3 क्यों आ रहा है हमारे पास, 2 दबाने से। ओके, तो यहाँ रोटेशन पे जाता हूँ मैं और इसको कर लेता हूँ 90 डिग्री पे रोटेट एक्स एक्सिस पे। इससे क्या हो गई, टिल्टेड हो जाएगी, टिल्ट होता है जो भी है। तो अब यहाँ पे जाते हैं एंड अब क्या करेंगे, इस गन को थोड़ा सा नीचे की तरफ, मैं इसकी वाई पोजीशन को थोड़ा सा फिगर आउट करना चाहता हूँ बिकॉज वो मुझे गलत लग रही है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ 0.2 आई थिंक बढ़िया रहेगी, क्योंकि ज़्यादा नीचे अगर हम करेंगे तो वो ग्राउंड को टच कर जाएगी। ऑल दो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर वो कोलाइडर जो है वो रजिस्टर नहीं करेगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो कोलाइडर का नाम ले ही लिया है, तो कोलाइडर भी डाल ही लेते हैं इस पर। ऐड कंपोनेंट पे चलते हैं, ऐड कंपोनेंट पे आने के बाद यहाँ पे आके लिखते हैं बॉक्स कोलाइडर। बॉक्स कोलाइडर डाल दिया मैंने, अब ये आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रिगर को सबसे पहले टिक कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको सही से फिगर आउट करेंगे, क्योंकि बॉक्स कोलाइडर जो होता है दैट इज कोलाइडर, तो इसको थोड़ा ऊपर तक कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, ज़्यादा ऊपर हो गया आई थिंक, यहाँ तक काफ़ी होगा आई थिंक, और नीचे भी कर लेते हैं इसको। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ये नहीं करूँगा तो गन जो है प्लेयर कभी अपनी ज़िंदगी में इस गन को उठा नहीं पाएगा, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने किया ये। ओके, अब इसके ऊपर एक और चीज़ लगा लेते हैं, दैट इज़ रिजिड बॉडी, ठीक है। यूज़ ग्रेविटी, इसको कंटिन्यूस करते हैं और फ्रीज ऑन द वाई एक्सिस, इसकी पोजीशन को वाई एक्सिस पे फ्रीज कर देते हैं ताकि नीचे ना गिरे। अब इस पर एक चीज़ और लगाएंगे हम, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लिखते हैं आइटम पिकअप, स्क्रिप्ट मैंने इसके अंदर डाल दी। सबसे पहले आइटम मांगेगा, तो मैंने क्या किया था, स्क्रिप्ट्स के अंदर आइटम्स फोल्डर के अंदर मैंने AK-47 का आइटम बनाया था, वो इसमें ड्रैग कर देते हैं। इन्वेंटरी बटन मांग रहा है, इन्वेंटरी बटन को भी ड्रैग कर देते हैं। चलिए पिकअप बटन जो है हमारा, उसको मैंने किया ड्रैग। इन्वेंटरी हेड पिकअप बटन के अंदर पिकअप हेड है, उसको यहाँ पे डाल देंगे। इन्वेंट्री टेक्स्ट ये है, आई थिंक मैंने गलत नाम दिया हुआ, पिकअप टेक्स्ट और होना चाहिए था, बट जो भी है यहाँ पे हमने ये डाल दिया। अब जो है ये वर्क तो करेगा, सबसे पहले अभी एक मिनट वर्क नहीं करेगा, पहले AK-47 पे चलते हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट अभी आपको असाइन नहीं करना है, ये मैं बताऊँगा कब असाइन करना है। तो AK-47 अभी ये वर्क तो करेगा, पिकअप तो कर लेगा प्लेयर से, लेकिन अभी कई सारी इसमें दिक्कतें आएंगी। तो उससे पहले क्या करेंगे, प्रीफैब में जाएंगे, गन्स मैंने प्रीफैब के अंदर एक फोल्डर बनाया था गन्स, उसके अंदर जाएंगे। AK-47 ये जो हमने बनाया है उसको इसमें ड्रैग कर देंगे और प्रीफैब वेरिएंट कर देंगे। तो एज इट इज़ हमारी जो गन है, जितनी भी चीज़ हमने लगाई उन सबके साथ यहाँ पे आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और इसको कर देंगे डिलीट, इसको उठाएंगे दोबारा यहाँ ड्रैग कर देंगे। अब इस बार वेरिएंट यहाँ पे आ गया है, तो इस बार हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे अपने AK-47 में जाएंगे, आइटम जो है इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं इस बार वेरिएंट वाला दूंगा। ये स्टेप ध्यान से करिएगा, कभी भी दूसरा मत दीजिएगा, हमेशा वेरिएंट दीजिएगा। ये हो जाने के बाद एक बार मैं गेम को प्ले करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये काम करता नहीं, ऑल्दो करना चाहिए बट देखते हैं। ये थोड़ा सा हवा में तो रहेगी गन, ज़्यादा नीचे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो अनअसाइंड रेफरेंस द वेरिएबल हैज नॉट बीन असाइंड। ओके, देखते हैं कौन सा वेरिएबल असाइन नहीं किया हमने। ओके, तो सारे वेरिएबल असाइन नहीं किए, ये दिक्कत आई है। यहाँ पे चलते हैं। ओके, तो ये सब हमें दोबारा असाइन करना है, तो जल्दी जल्दी कर देता हूँ यार मैं असाइन, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन्वेंट्री बटन जो है इसको यहाँ डाल देते हैं, इन्वेंट्री हेडर को हेडर में डाल देते हैं, टेक्स्ट को टेक्स्ट में डाल देते हैं, इमेज को इमेज में डाल देते हैं। ओके, अब इसको सेव करते हैं, नाउ आई थिंक हम गेम को प्ले कर सकते हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स।
एंड इट शुड वर्क. थोड़ा लैग कर रहा है, डोंट नो व्हाई मेरा पीसी लैग करने लगा, पहले नहीं करता था. ओके सो आई कैन पिक इट अप, यस आई कैन पिक इट अप, लेकिन वो जो इन्वेंट्री के बटन होते हैं और वो सब होते हैं वो सब शो नहीं हो रहा, उसको तो मैं फिक्स करूँगा. AK-47 आ चुका है वैसे मेरी इन्वेंट्री में, इसको मैं अभी फेंक भी सकता हूँ दोबारा, तो मैंने फेंक दिया है. इज द गन गॉन. ओके ओके, तो इसकी रोटेशन गलत हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो है मैं अगली वाली वीडियो में फिक्स करूँगा. अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सबसे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. I played it innocent, a feel of disconnect.